ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जब से ऑकस अलायंस बनी है तब से इंडो पैसिफिक पॉलिसी के ऊपर डिबेट अब वापस से शुरू हो गई है और जापान से लेकर अमेरिका और कई सारे नाटो देशों में ये डिबेट वापस से शुरू हो गई है कि क्या फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन डील छीनकर जो ये इंडो पैसिफिक के नाम पर चाइना को घेरने के लिए ऑकस अलायंस बनी है, क्या ये अमेरिका या फिर ब्रिटेन ने कोई सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया है जिसे वर्ल्ड ऑर्डर में उनकी पोजीशन जेपर्डाइज यानी खतरे में आ गई हो। क्योंकि रिसेंटली ऑकस अलायंस को लेकर एक हैरान कर देने वाला वाकया यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से सामने आया है जिससे दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल हैरान हैं और ऑकस अलायंस के फ्यूचर के बारे में अभी से ही सवाल उठने लग गए हैं। दरअसल ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ओपोजिशन में बैठी लेबर पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगले इलेक्शंस में वो ब्रिटेन में सरकार बना लेगी, उसने पिछले कल ऑकस अलायंस के खिलाफ ब्रिटेन की संसद में एक मोशन पास कर दिया है और रूलिंग बोरिस जॉनसन सरकार के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकस अलायंस को ज्वाइन करने पर कहा है कि ये वर्ल्ड पीस यानी दुनिया की शांति के लिए डेंजरस मूव है जो वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है और रीजन में न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ावा देगा। ये चीज तो खैर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि लेबर पार्टी चाइना की बोली बोल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लेबर पार्टी सरकार में वापस आएगी तब फिर इस अलायंस का क्या फ्यूचर होगा। वैसे अमेरिका ने भी क्वाड के साथ साथ इंडो पैसिफिक के लिए एक और ऑकस अलायंस खड़ी करके साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, फिर चाहे कोई मिलिट्री पैक्ट वाली ऑकस जैसी अलायंस हो या फिर नॉन मिलिट्री अलायंस जैसा क्वाड संगठन हो। लेकिन अमेरिका के रोल को यहाँ पर चैलेंज करते हुए फ्रांस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है जो ये साफ करती है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन डील गवाने के कारण फ्रांस की अमेरिका के प्रति नाराजगी है उसका भारत को भरपूर फायदा मिलने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पिछले कल फ्रांस के भारत में एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने भारतीय न्यूज एजेंसी एनआई को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ऑकस, क्वाड, अफगानिस्तान और भारत के साथ फ्रांस की पार्टनरशिप के बारे में खुलकर बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा कि जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशनल ग्रुप रिसेंटली बनाया गया है वो इंडो पैसिफिक रीजन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, हमें थोड़ी ब्रॉडर अप्रोच यानी कि व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा, यानी वो यहाँ पर ऑकस अलायंस पर निशाना साध रहे थे। इंटरव्यू में आगे उन्होंने कहा कि मेरे प्रेसिडेंट यानी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपस में बात कर ली है, फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडिया कोर है, यानी इंडो पैसिफिक को लेकर जो भी फ्रांस की स्ट्रेटेजी होगी उसमें भारत का अहम रोल होने वाला है, यानी अमेरिका ने जिस तरह भारत को साइड करके ऑकस मिलिट्री लाइन्स बनाई है वैसे फ्रांस भारत के साथ कभी नहीं करेगा। आगे फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खुद ही डेवलप करो या फिर दूसरा ऑप्शन की सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर रहो। फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा कि हमें पता है कि कुछ देश दूसरे ऑप्शन को चुन रहे हैं यानी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंड हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम यानी भारत और फ्रांस स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटेजिक स्पेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं यानी किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आना चाहते हैं। फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा कि इस दिशा में हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी फ्रांस और भारत एक साथ जिस तरह डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी के क्षेत्र में पिछले 50 से ज्यादा सालों से एक साथ काम करते आ रहे हैं, हम इसी तरह से भारत के साथ ट्रस्टेड पार्टनर्स बनकर अपनी कोऑपरेशन इसी तरह और भी आगे डेवलप करना चाहते हैं, भारत को जब भी जरूरत पड़ी है फ्रांस आपके साथ रहा है, फिर चाहे 1998 न्यूक्लियर टेस्ट हो, कारगिल वार हो या फिर रिसेंट का कोविड-19 क्राइसिस हो, और ऐसे ही पार्टनर्स होने चाहिए। इसके साथ इस इंटरव्यू में फ्रेंच एम्बेसडर ने क्वाड की तारीफ करते हुए ऑकस अलायंस को भी निशाना बनाया और कहा कि फ्रांस ऑकस अलायंस के डिसीजन से शॉक्ड था। फ्रेंच एम्बेसडर ने आगे इंडो पैसिफिक रीजन पर कहा कि हम भी अपने आप को पैसिफिक कंट्री मानते हैं, हम अपने आप को भारत का पड़ोसी मानते हैं, हमारी यहाँ पर कई सारी टेरिटरीज हैं, सेकंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ रीजन में हमारे 20 लाख से ज्यादा नागरिक हैं, हमारे यहाँ पर 7000 से ज्यादा ट्रूप्स हैं। जब आप किसी चैलेंज को फेस करना चाहते हो तो लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी एक जैसी सोच रखने वाले देशों को साथ लेकर चलते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ जबकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कंट्री है। फ्रेंच एम्बेसडर की बातों से वैसे ऐसा लग रहा था कि सबमरीन डील में कई सारे बिलियन डॉलर्स के नुकसान के साथ साथ क्वाड और ऑकस अलायंस दोनों से ही बाहर होने के कारण फ्रांस इंडो पैसिफिक में अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस कर रहा है। खैर वैसे फ्रेंच एम्बेसडर ने और भी कई सारी बातें बोली, लेकिन जिस हिसाब से इंडो पैसिफिक को लेकर ये सब देश आपस में ही लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये चाइना से ज्यादा अपने रिलेशनशिप खराब करने में लग गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या फ्रांस को क्वाड में नया मेंबर ऐड करकर क्वाड को क्वाड प्लस अलायंस बना लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।